मोदी नगर के ग्राम तिबड़ा में 10 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेजा। आपको बता दें कि मोदी नगर में प्रतिदिन कोरोना मामले निकलना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिससे जनता में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। आपको बता दें कि 24 मई को ग्राम लतीफपुर तिबड़ा निवासी रिंकू की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ग्राम तिबड़ा में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद देर रात कोरोना पेशेंट रिंकू को उपचार हेतु भेज दिया गया था। गाजियाबाद अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने प्रशासन से बात करके सुरक्षा की दृष्टि से रिंकू के परिवार के 9 सदस्यों व नाई सहित 10 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भिजवा दिया गया, जिससे गांव तिबड़ा में ये महामारी कोरोना अपने पैर न पसार सके। साथ ही नाई ने जिन 14-15 लोगों के बाल काटे थे, उन सबको घर में ही क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। पुलिस प्रशासन ने गांव के कुछ एरिया सीज कर दिए हैं, पूरे गांव को सैनिटाइज करा दिया गया, लेकिन शहर मोदी नगर में अभी भी कुछ लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार जनता से मास्क व सोशल डिस्टेंस की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन बातों को प्रैक्टिकल में नहीं ले रहे हैं। इसका भुगतान कहीं मोदी नगर की जनता को करना न पड़ जाए। रिंकू सन ऑफ विजय, जो कि हमारे ग्राम लतीफपुर तिबड़ा में 19 तारीख में आए थे मुंबई से, वहां किसी निजी संस्थान में कार्यरत हैं, उनका कोविड-19 टेस्ट 22 तारीख में कराया गया था। 24 में उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत उनको जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ग्राम से गाजियाबाद में शिफ्ट करा दिया गया था। उसके बाद उनके परिवार या उनके संपर्क में आया जो नाई है, उनको कल जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ग्राम से एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा चुका है। उनको गाजियाबाद में ही क्वारंटाइन किया गया है। सरकार के जो दिशा निर्देश थे और सीएमओ साहब के निर्देशानुसार ये कार्य हुआ है। उसके साथ साथ हमने पूरे गांव में सैनिटाइज करा दिया है और गांव के लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी है। उनका जो 200 मीटर का एरिया है उनके घर के आसपास सील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन है और इसके अलावा हमारे ग्राम में जितने भी लोग स्नाई के संपर्क में आए हैं, लगभग 30 ऐसे लोग हैं, उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए बोल दिया गया है। बाकी आगे प्रशासन की मदद से संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार की गलत चीजों पर या किसी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।